काल सर्प दोष से मुक्ति इसकी मिलती है, क्योंकि काल सर्प योग होता है, दोष नहीं होता है। पत्रिका में सब योग होते हैं और काल सर्प योग एक ऐसा योग है कि राहु और केतु के बीच में अगर ग्रह आ जाते हैं तो उसके द्वारा आदमी बड़ा जातक बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। और इस समय में पंचमी पे, नाग पंचमी पे विशेष अगर वो अनुष्ठान या पूजा पाठ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि राहु केतु भी नाग का ही कारक हैं, उससे उन संकटों से, उन पापों से उसकी मुक्ति होती है। मेरा तो मानना स्वयं का ये है, मैं ये किसी शास्त्र से बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल मेरा मानना ये है कि ये सभी व्यक्तियों को बिना नाग पूजा कि ये जीवन में उद्धार नहीं है, सभी को ही उसकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में उनको जो पत्रिका में जो योग या होते हैं वो उन्हें जो हानि पहुंचाते हैं, तो उसके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये तिथि जो है पंचमी, और वैसे साल की सारी पंचमी को अगर वो सिर्फ कच्चा दूध भी चढ़ाएँ शिव मंदिर में भी और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। नाग दोष पत्रिका में नहीं होता, सर्प दोष होता। नाग और सर्प दोनों अलग अलग हैं, दोनों सगी मौसी के भाई हैं, तो नाग अलग हैं और सर्प अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। पत्रिका में नाग दोष नहीं होता है, सिर्फ सर्प दोष होता है। इसको काल सर्प योग बोलते हैं, सर्प दोष बोलते हैं, केंद्र का सर्प बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो सर्प दोष के लिए भी जो पंचमी तिथि जो बनी है उसके लिए ही ये पूजा की जाती है, और ये सब उन्हीं के लिए, नागों सर्पों के लिए ही ये तिथि है, उन्हीं के निमित्त की सारी पूजाएं होती हैं। नाग लोक है सनातन धर्म में, सही सभी जितने भी देवता हैं उनके सबके अलग अलग लोक हैं। अब नाग लोक है ये बड़े रहस्यमय है। हाँ, नाग आते हैं तो पूर्वज आते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी नाग का कलर, नाग के अलग अलग जो कलर होते हैं, काला कलर है, चकत्ते वाला है, वाइट है, सफ़ेद जो बोलते हैं, सब उसके ऊपर पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन से कलर के हैं, तो उस हिसाब से उसका जो है गणना की जा सकती है। ऐसे बोलना बड़ा असंभव है। नाग की अगर हत्या हो जाती है तो हो सकता है कि उसके बहुत ज़्यादा पुण्य हो तो वो इस जन्म में उसको उसका दंड नहीं मिले, लेकिन उसको किसी न किसी जन्म में बिल्कुल, मैं इसको मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसको जरूर दंड मिलेगा। तो उसके लिए ये है कि उसके लिए नारायण बलि, नाग बलि होती है, तो नाग बलि उसको पूजा करवानी चाहिए। और अगर कहीं भी, अगर कहीं मृत सर्प उसको रास्ते में मिल जाता है उसको, तो उसको पूरे विधान के साथ में उसका पूरा दाह संस्कार करना चाहिए, और उसको पूरा सूतक मानना चाहिए, और उसको पूरी तरह से जिस प्रकार से किसी घर में किसी की मृत्यु होती है उसी हिसाब से उसकी पूरा क्रियाकर्म करके, उसको व्यवस्थित उसका क्रियाकर्म करके उस दोष से उसको मुक्ति मिल सकती है। जो कलयुग के तीनों ही देवता साक्षात हैं, जो मेरा अनुभव है, नाग देवता हैं, पीपल हैं और हनुमान जी हैं। इनकी साधना बहुत ज़्यादा कठिन है, घर के अंदर इस साधक को इसमें बहुत ज़्यादा नियम में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संयमित जीवन जीना पड़ता है। इसके लिए अगर रखना भी है तो इसमें 12 ग्राम चांदी की प्रतिमा का प्रमाण है, बस उतनी ही प्रतिमा आप रख सकते हैं, और उसका नियमित अभिषेक, और वह भी सिर्फ पुरुष ही करे, महिला को इसमें हाथ नहीं लगा सकती है। महिलाएं इसमें हाथ अगर लगाएंगी तो उनको कहीं ना कहीं उसमें कष्ट होता है, तो इसलिए महिला इनसे दूर रहे, और सिर्फ पुरुष ही अगर करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही है, नाग दूध सेवन नहीं करता है, नाग का सिर्फ दूध से अभिषेक होता है, और रजत चांदी की प्रतिमा पे आप अगर दूध से अभिषेक करेंगे तो उससे निश्चित तौर पे आपके पितरों की शांति होगी, आपके पूर्व जन्म के उससे पाप क्षय होंगे, और दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगे तो आप चाहें तो उनके ऊपर आप दूध चाहें तो कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, और दूध हमेशा स्टील के पात्र में लेना चाहिए। शिव पूजन अलग है, नाग पूजन अलग है। नाग पूजन है, उन्हीं के ही गले का हार है नाग, तो शिव पूजन थोड़ा सा अलग है, नाग पूजन की विधि अलग है, इसमें श्लोक भी अलग है नागों के, नागों का मंत्र अलग है और शिव जी के भी मंत्र अलग हैं, तो नाग पूजन थोड़ा सा अलग है, बाकी रूप दोनों का लगभग लगभग समान है।